हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। ये ट्यूटोरियल बेहद इंपॉर्टेंट है उन लाखों व करोड़ों स्टूडेंट्स का जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपके लोको पायलट का एग्ज़ाम हो गया, या फिर आरआरबी जो कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो करवाता है, या फिर आपके मेट्रो रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं। यहाँ पे होता यह है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को एक उचित गाइडेंस नहीं मिल पाती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, और उसके कारण उनका जो दिमाग है, उनकी जो मेहनत है, वो बेकार जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है आपको उचित गाइडेंस देने के लिए। और इस एग्ज़ाम में एक जो सेक्शन है वो होता है हमारा जनरल साइंस का, जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। और जनरल साइंस में भी जो हमने चार कैटेगरी है, आपका फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, आपका बायोलॉजी है, और आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। और उस सब में सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए होता है वो होता है हमारा फिजिक्स, जैसा आप सब जानते हैं, भौतिक शास्त्र। तो अगर मैं आपको आंकड़ों में बात करूँ, तो जैसे लोको पायलट की परीक्षा है जिसमें 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस 120 क्वेश्चन में आपके 30 मार्क्स के आपका जनरल साइंस आ रहा है। और जनरल साइंस में अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो लोको पायलट की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और फिजिक्स की बात करूँ, और 30 क्वेश्चन का 120 का क्वेश्चन पेपर है, 30 की आपकी जनरल साइंस है, और इस 30 में से फिजिक्स है, आपकी केमिस्ट्री है, आपकी बायोलॉजी है, और आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। तो इसमें जो फिजिक्स जो अकेला जो सब्जेक्ट है, वो कभी 15 भी आता है, कभी 20 भी आ जाता है, कभी 22 भी मार्क्स का आ जाता है। तो आप देख रहे हैं अराउंड ये 50% से लेकर ये आपका 70-80% भी इसका जाता है। तो सबसे ज़्यादा भार रखने वाला, सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक जो है वो है फिजिक्स। तो इसमें हम जो है फिजिक्स को हम लेंगे कि फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप रट्टा नहीं मार सकते। होता यह है अधिकतर स्टूडेंट्स जो मैं जानता हूँ जिनको, तो वो फिजिक्स में शिकायत करते हैं, और मैं पूछता हूँ कि भाई फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम क्या आती है, तो आप किस प्रकार से पढ़ते हैं फिजिक्स, तो वो ये कहते हैं कि सर एग्ज़ाम से जस्ट पहले 2-3 महीने पहले हम मॉक टेस्ट की बुक लेके आते हैं, या फिर एक टेस्ट पेपर की बुक लेके आते हैं, और उसमें जो सवाल दे रखे होते हैं उनको वो रट लेते हैं, और बट उनमें से दो या तीन ही सवाल वो कर पाते हैं, ज़्यादा वो अच्छा उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते। तो पर अगर आपको ये 15-20 या 22 मार्क्स इससे करने हैं, और एक कॉम्पिटिटिव अगर आपको एज बनानी है, अगर आपको कॉम्पिटिशन में आगे निकलना है, तो आप ये 2-3 मार्क्स से काम नहीं होगा। आपको ये 15-20 मार्क्स जो है पूरे के पूरे आपने स्कोर करने हैं। और वो करने का जो तरीका है वो ये है कि फिजिक्स आप रट्टा मत लगाइए, आपने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है, जैसे मैं आपको जीके वाली बात हो गई, तो जीके में तो ये है कि जैसे पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, इसका एक फिक्स आंसर हो गया। पर अगर मैं यहाँ पे जो फिजिक्स में क्या होता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट होता है, एक आपका कॉन्सेप्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट से आपके ये क्वेश्चन भी बनता है, 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 ठीक है। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा या उससे क्या फ़ायदा होता है, और या आप एक सिंगल क्वेश्चन करके जाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। अगर आप सिंगल क्वेश्चन करते हैं या फिर एक अलग अलग टुकड़ों में करते हैं, तो सिर्फ वही क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। पर अगर आप कॉन्सेप्ट करते हैं तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे आपका एक प्रश्न बनता है भौतिक शास्त्र में कि बताइए कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब जो है सेम तापमान पर होते हैं, और उसका जो आंसर होता है उसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और आपने सही उत्तर है इसमें -40 डिग्री सेल्सियस, आपने ये रट लिया और आप एग्ज़ाम में गए। पर जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट मिल जाता है, तो आप फिजिक्स का सवाल नहीं लगा पाएंगे। अगर आपको सवाल घुमा के ये पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि कौन सा वो तापमान है जिसमें फ़ारेनहाइट सेल्सियस की दुगना है, ठीक है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस की दुगना है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बताइए जब सेल्सियस और केल्विन एक ही टेम्परेचर में है, या फिर सेल्सियस जो है दुगना है फ़ारेनहाइट के,
तो उस केस में आप उस सवाल को रह जाएंगे। तो यहाँ पे समझना बात दोस्तों ये है कि आपने कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है और साथ में उसके क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको क्वेश्चंस याद करना भी आसान हो जाएगा, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप कैसे भी क्वेश्चंस आपको दे दीजिए आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पे हम जो है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है थ्योरी टू प्रैक्टिकल ने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं आप लोगों के लिए इन एग्ज़ाम्स को ध्यान रखते हुए, जिसमें हम आपको बारीकी से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाते हैं और उसके बाद में हम आपको एग्ज़ाम में आए सवालों को कराते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए और आपका स्कोर जो ये 15-22 मार्क्स का है आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं या और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आपने ये करना है कि आपका जो भी एग्ज़ाम है, मान लीजिए लोको पायलट का एग्ज़ाम है या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, आपने अपना एग्ज़ाम का नाम लिख दिया लोको पायलट, आपका नाम है अरूप कुमार नाम है तो आपने लिख दिया अरूप कुमार नाम है, आपने लिख दिया कि मैं जो हूँ मैं हूँ छत्तीसगढ़ से हूँ तो छत्तीसगढ़ आपने लिख दिया। और ये लिख के आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए किस नंबर पर 8003378523 पे। और अगर आपके पास में व्हाट्सअप की फैसिलिटी नहीं है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं theory2practical@gmail.com। तो जिससे आप हमारे जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है, जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो हम आपको वो उचित गाइडेंस दे सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है theory2practical.com, उसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन काफ़ी गाइडेंस मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक सक्सेसफुल करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको मैं समझाता हूँ कि आप ये समझिए फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक का क्या महत्व है, किस से कितने सवाल आते हैं, किन को तो आपको करना ही करना है, तो वो हम जान लेते हैं। तो आप ये लिस्ट मेरे अपने सामने देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में दोस्तों सबसे पहले मैं लूँगा यूनिट्स इकाई। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है बताइए फोर्स की यूनिट क्या है, या फिर आप बता दें चार्ज की यूनिट क्या है, या फिर इसकी SI यूनिट क्या है, या फिर प्रेशर की SI यूनिट क्या है, या फिर एक बार कितने पास्कल होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूनिट इकाई में होते हैं। तो इसकी भी मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाई है, इसको आप ध्यान से सुनना है, इसके कॉन्सेप्ट समझना है और एग्जाम में क्वेश्चन जो मैंने उस लेक्चर में बताए हैं उनको आपको अच्छा करना है। एक और टॉपिक है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है पेंडुलम। ये भी आप देखेंगे इन टेक्निकल परीक्षाओं में इसमें काफ़ी सवाल आते हैं। जैसे मान लो उसमें दिया जाता है कि दो दोलक है और एक की लेंथ अगर चार गुनी कर दी जाए और उसका टाइम पीरियड में उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अगर एक दोलक है वो धरती में उसकी टाइम पीरियड उसका आवर्त काल टी है तो बताइए चंद्रमा में उसका क्या होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं पेंडुलम के, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको भी मैंने करवाया हुआ है अपने वीडियो लेक्चर में, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। फिर आता है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपके दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक तो आता है ऑप्टिकल डिवाइसेस, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, या फिर आपने जो चश्मा पहना हुआ है आँखों में वो हो गया, तो उस पर क्वेश्चन आते हैं। और एक आता है आपके कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के, उत्तल और अवतल लेंस के कुछ क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैंने ऑप्टिक्स में आपको कराए हुए हैं। एक चौथी कैटेगरी मैंने देखी है इसमें इंस्ट्रूमेंट की काफ़ी आती है, जिसमें आप पूछा जाता है बताइए प्रेशर को नापने वाला यंत्र कौन सा होता है, वोल्टेज को नापने वाला यंत्र कौन सा होता है, रेजिस्टेंस को नापने वाला यंत्र कौन सा होता है, आपका ह्यूमिडिटी आर्द्रता नापने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, तो वो मैं आपको वीडियो लेक्चर में है मेरे पास में, उसको आप जरूर देखिए। फिर नंबर लूँगा मैं इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनेमिक्स। ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इनको बेहद इंपॉर्टेंट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इनसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये यहाँ पर ये है, ये जानिए कि आप जो अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं टेक्निकल, जिसमें टेक्निकल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड के जो आपके टेक्निकल क्वेश्चन है उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं समझ पा रहे हैं, AC भी नहीं समझ पा रहे हैं, DC भी नहीं समझ पा रहे हैं, मोटर कैसे काम करती है उसमें नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको इसका नुकसान इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी गलती मत कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा जो आपके टेक्निकल एबिलिटी के थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन की। अगर आपके इसके और इसके कॉन्सेप्ट वीक होते हैं दोस्तों ये, तो ये भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि यूनिट भी सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है आपका, इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनेमिक्स ये काफ़ी वेटेज रखते हैं इस फिजिक्स के पोर्शन में।
फिर दोस्तों काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके वेलोसिटी के, आपके डिस्टेंस के, तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं काइनेमेटिक्स के, तो वो मैं वीडियो लेक्चर में आपको करवाया हूँ, उसको आप देखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी मेरी वीडियो लेक्चर रेडी है, आप उसको देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। न्यूक्लियर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा फिजिक्स का एक टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट भी है, साथ में ये बेहद छोटा भी है, मतलब बहुत छोटा टॉपिक है और उसकी संभावना भी है एग्जाम में आने की, तो इसको आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। मतलब इसके पार्ट 1 पार्ट 2 आप मेरे कर लेंगे इसमें, तो आपको पूरी फिजिक्स का जो भी न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस आ रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर पे आता है क्वेश्चन, बताते हैं कि सन पे क्या हो रहा है, सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत कॉमन होते हैं, तो उन सब क्वेश्चन का सेट विद कॉन्सेप्ट मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में लिया है, उसको आप जरूर देखें। फिर इसमें जो नवा मेरा मेरा पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, कोई भी परीक्षा हो आपकी, रेलवे की हो, एसएससी की हो, तो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपका आता है जैसे न्यूटन के प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। न्यूटन के प्रिंसिपल क्वेश्चन आता है, आर्कमिडीज सिद्धांत पे आता है, पास्कल लॉ आता है आपका, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये और भी फिजिक्स के टॉपिक है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने बताया, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा दोस्तों यूनिट है आपका, इलेक्ट्रिसिटी है और आपका थर्मोडायनेमिक्स, ये तीन तो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, और अगर ये 9 आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये 15 से 20 या 22 मार्क्स आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात आप ये समझ लीजिए कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सी वीडियो लेक्चर आपको देखने हैं मेरे, वो आप समझ लीजिए। और दूसरी बात आप ये समझिए इसमें कि आपको यहाँ पे मैंने जो बताया आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट अगर आता है तो कोई भी प्रकार का क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आप एक क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन पे अटके रहे तो आप बाकी क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे, तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होंगे। अब इस फिजिक्स के टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस लूंगा जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो मैं टॉप 11 क्वेश्चंस पार्ट 1 में आपको अगले सेक्शन में कवर कराता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूँ फिजिक्स के जिससे आपको समझ में आ जाएगी कॉन्सेप्ट किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है फिजिक्स की, और इन सवालों में से, इन 11 सवालों में से बहुत चांसेस है कि एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके आ जाए। तो पहला मैं सवाल लूँगा जो इम्पोर्टेंट कई बार रिपीट होता है इसका कॉन्सेप्ट, वो है एक प्रकाश वर्ष का मान निम्न है और हमको 4 वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले आप इसकी देखिए वैल्यू, आप इसको रटिए मत और इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए कि क्यों है, क्या है, सारी बात मैं आपको बताता हूँ। प्रकाश वर्ष क्या होता है पहले आप वो समझिए, प्रकाश वर्ष क्या होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर्स। अब इसमें एक और प्रश्न उठता है, एक और सवाल आपका आता है, वो भी अक्सर आपका आता है सवालों एग्जाम में, वो ये आता है कि बताइए कि लाइट ईयर की यूनिट क्या है, और हमको 4 विकल्प दे रखे होते हैं, एक होता है टाइम, एक होता है डिस्टेंस दूरी, और एक होता है आपका वेलोसिटी, और एक आपका दिया जाता है एसीलरेशन, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी कंफ्यूज होता है, वो सोचता है यहाँ पे ईयर लिखा है, ईयर वर्ष लिखा है जो कि समय को दर्शाता है, यानी कि इसकी जो असल यूनिट होगी वो है टाइम, या फिर वो सोचता है कि प्रकाश दे रखा है, लाइट से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी की बात कही होगी, तो वो निशान लगा देता है वेलोसिटी पे, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्टेंस, और क्यों है, क्या है, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। और यहाँ पे भी आप देख ही रहे हैं कि इनकी यूनिट यहाँ पे किलोमीटर में लिखी हुई है, तो आप समझ रहे हैं कि यूनिट जो है ये दूरी है इसकी यूनिट। अब आप मैं आपको समझाता हूँ कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। देखिए जो ये तारे सितारे आप आसमान में देखते हैं, ये आपसे बहुत 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 दूर है, अरबों खरबों किलोमीटर ये दूरी है। आज जिस तारे को आप देख रहे हैं, आज इस तारे को देख रहे हैं जिस जगह पे, हो सकता है कि वो तारा तो डेड हो चुका हो, तारा तो जो है नष्ट हो चुका हो, पर आप उसको देख अब रहे हैं, मतलब कि इतना दूर है कि जब आपकी आंखों की उसकी रोशनी आपकी आंखों तक आई, उस समय तक तो वो जो है नष्ट हुई हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो इतनी दूरी पे होते हैं तारे। तो इनकी दूरी को नापने के लिए हम किलोमीटर की बात नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे मुझको दिल्ली से बॉम्बे की दूरी नापनी है, तो मैं सेंटीमीटर में बात नहीं करूँगा, मैं किलोमीटर में बात करूँगा। और ऐसे ही तारों की, धरती से लेकर तारों के बीच की दूरी, या तारों से तारों के बीच की दूरी को मैं किलोमीटर में नहीं व्यक्त करना चाहता, इसके लिए मैं एक बहुत बड़ी यूनिट लेता हूँ और जिसको मैं बोलता हूँ लाइट ईयर्स, ठीक है। अब आप समझिए कि लाइट ईयर्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर एक वैक्यूम में, अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर लाइट
जाती है। मान लीजिए ये आपका पॉइंट है ए, या फिर ये पॉइंट है आपका बी, या फिर आप समझिए ये आप हैं जो धरती पे खड़े हैं और ये एक बहुत दूर एक तारा है, या फिर मान लीजिए ये सन है, ठीक है। आप जो है इस सन को और सन की लाइट आप पे पड़ रही है, तो आप इसमें ये बोलेंगे कि एक साल में तो ये किरण यहाँ से सन से निकल के आपके पास में पहुँचेगी, या किसी तारे से या किसी ऑब्जेक्ट से आपके पास में पहुँचेगी, तो जितनी वो दूरी तय करेगी उसको मैं बोलूँगा एक वन लाइट ईयर, ठीक है, वन लाइट ईयर। मैं और इसको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लाइट ट्रेवल करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है। किस वेलोसिटी के साथ लाइट ट्रेवल करेगी, आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है आपकी लाइट की। अब ये जो वेलोसिटी है लाइट की, और हमें समय दिया गया है टी, यानी कि टाइम, यानी कि एक ईयर दे रखा है, ठीक है। तो इतने समय के लिए जो ये लाइट ट्रेवल करेगी इस गति से, तो जो दूरी ये लाइट जो है तय करेगी उसको मैं बोलूँगा लाइट ईयर। तो जैसे आप जानते हैं कि स्पीड क्या होती है दोस्तों, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड होती है दोस्तों क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर डिस्टेंस क्या है आपका, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या है दोस्तों आपका, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आपका जो समय है वो है एक साल। एक साल में कितने दिन होते हैं दोस्तों, लगभग 365 दिन होते हैं। 365 दिन में आपका जो दिन है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 60 × 60 यानी कि 3600 आपके सेकंड होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा 9.46 × 10⁵ मीटर आएगा। क्या आएगा, 9.46 × 10⁵ मीटर आएगा। और अगर इसको मैं किलोमीटर में व्यक्त करूं तो 9.46 और 10 के और 15 है, तो इसको मैं 10⁻ यहां पे 12 बना दूंगा, तो ये हो जाएगा 10⁻ किलोमीटर। तो 9.46 × 10⁻ किलोमीटर, 9.46 × 10⁻ किलोमीटर, जो कि मेरा विकल्प है इसमें ये। अब आप देखिए जो यहाँ पे जो ऑप्शन बी और डी दे रखा है, इसमें 12^10 है, 12^10 है, तो उसमें इसको व्यक्त जनरली नहीं करते, 10^10 में व्यक्त करते, तो इसको तो आप देखते ही बोल सकते हैं कि ये तो आपका गलत है ही, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो तय है टाई जो होगा वो ए और बी ऑप्शन में होगा इसमें, तो आप इसको जो है मोटा मोटा इसको आप गुना भी कर सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं, पर अगर आपको मैंने क्योंकि आपको ये बता दिया है कॉन्सेप्ट, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको, आपको ये याद हो जाएगा 9.46 × 10⁻² है ये, 946 आप फिगर याद कीजिए, और ये आप याद कर लीजिए कि मीटर्स में अगर मैं कहूँ तो अराउंड ये 9.46 तो ये है, और 10^15 मीटर है, 10^15 मीटर है। अगर किलोमीटर में पूछा जाता है या और कोई यूनिट में पूछा जाता है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने ध्यान याद क्या रखना है इसमें, फिगर 9.46। लाइट ईयर क्या है, कि लाइट ईयर वो है जब एक स्थान की दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ए से लेके बी की दूरी, और उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ से लाइट फेंक रहा हूँ और एक साल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एक साल में वो लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उस लाइट किस स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड से, तो आपको उस दूरी को हम बोलेंगे लाइट ईयर, वन लाइट ईयर। तो लाइट ईयर से जुड़ी मैंने आपको यूनिट बता दी, इस यूनिट किलोमीटर है, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 9.46 × 10^12 किलोमीटर, या 9.46 × 10^15 मीटर। तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट इसका बताया है प्रकाश वर्ष का, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए, और आपको याद रखना है फिगर 9.46 अराउंड 10 के अराउंड है, 9.5 के अराउंड है, और 9.5, ये 9.5 का फिगर आप याद कर लीजिए, 9.5 से हल्की सी कम है ना, तो 9.64 नहीं है, 9.46 है, 9.5 × 10^12 किलोमीटर।
आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको दे रखा है, दो साधारण दोलकों के आवर्त काल का अनुपात होगा जिनकी लंबाई का अनुपात 1/16 है और हमको चार विकल्प दे रखे हैं। तो जैसे मैंने आपको पेंडुलम वाले वीडियो लेक्चर में बताया है कि टाइम पीरियड मेरा क्या होता है दोस्तों, 2π√L/g होता है, ठीक है। T=2π√L/g होता है, ये आपका दोलक है, ये आपकी यहाँ पे पेंडुलम है जिसका मोशन इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, ठीक है। अब ये बता रखा है कि ऐसे दो दोलक है और इसका ये मोशन इस प्रकार से, इसका ये मोशन हो रहा है। तो अब देखिए, इसका टाइम पीरियड है, इसकी लेंथ है मान लीजिए L, तो जो दूसरा जो आपका दोलक है उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा दोस्तों, 16L/g। दो चीज अगर 1/16 के अनुपात में है तो मैं इसको कह सकता हूँ, एक है L और एक है 16L, तो ये 16L। अब 16 को आप इसको रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 2π√L/g जो कि इसकी 4 times है। तो आपका क्या आया दोस्तों, T1/T2 क्या आया आपका, 1/4 आपका आएगा, जो कि आपका इसमें विकल्प है ऑप्शन डी। तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही इजी होते हैं, आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है कि T=2π√L/g होता है। आइए अब हम तीसरा प्रश्न लेंगे और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमको ये दे रखा है कि एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है और चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो एक व्यक्ति का जो वेट है वो अर्थ पर 72 किलोग्राम है और मून पर उसका वेट क्या होगा, और हमको चार विकल्प इसमें दे रखे हैं। तो एक्चुअली मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले। और जो वेट जो होता है वो क्या होता है, वेट होता है m×g। तो m होता है आपका द्रव्यमान। तो वो व्यक्ति अगर पृथ्वी पर है, या फिर वो व्यक्ति आपका चंद्रमा पे पहुंच जाए, या फिर वो व्यक्ति मंगल ग्रह में पहुंच जाए, उसका जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। पर जो ये जी है, ये एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं, जी जो है ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये उस जगह की प्रॉपर्टी है, ये जगह की प्रॉपर्टी है, ये व्यक्ति की खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अर्थ में जी अलग होता है और मून में जी अलग होता है, मंगल ग्रह में जी की वैल्यू अलग होती है, ठीक है। अब इसमें आपको एक फैक्ट ये याद करना है, ये समझना है कि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। मतलब कि अगर इसकी अर्थ की जो है हमारी 9.8 m/s² है, तो जो मून की होगी वो 9.8/6 m/s² होगी। ये आपने कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो उस व्यक्ति का जो वेट अर्थ पर है वो m×g है, तो उस व्यक्ति का मून पे वेट हो जाएगा m×gm और m×ge/6, मतलब 1/6। तो 72 का 1/6 कितना हो गया दोस्तों, 12 किलोग्राम। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि उस व्यक्ति का वेट जो चंद्रमा पर ग्रेविटी जो है 1/6 होती है, ठीक है। अगर आपको वजन अगर 100 किलोग्राम है तो भी उसको आप कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। अगर 60 किलोग्राम है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट इसका आपने समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि कम होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो जी जो होती है वो होती है gm/r² होती है। तो यहाँ पे आप जो अर्थ का जो मास है और मून का मास आप कंपेयर करेंगे तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है, उससे 80 गुना जो है ज़्यादा होता है अर्थ का मास। हाँ, रेडियस कम होता है पर मास इतना ज़्यादा होता है ये वाला ऊपर वाला फैक्टर कि जो अर्थ का जो ऐसे ग्रेविटी है वो ज़्यादा होती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, 1/6 होता है। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट इसमें ले जाता हूँ। अगर मैं सेकेंड और थर्ड को अगर जोड़ता हूँ, और सेकेंड और थर्ड में मैं जोड़ के मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि एक जो टाइम पीरियड जो है एक पेंडुलम का अर्थ में वो है टी, तो बताइए उसका जो टाइम पीरियड मून पे कितना होगा। इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप देखिए उसको आप कैसे कीजिएगा, T=2π आपका L/g होता है, ठीक है। अब T=, अर्थ पे है आपका ये, मून पे वो क्या हो जाएगा 2π L, ये GE है तो मून पे GM है, और GM को आप क्या लिखेंगे दोस्तों, GM को लिखेंगे आप GE/6
सिक्स लिखेंगे तो सिक्स आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब कि वो कितना हो जाएगा, रूट सिक्स इंटू टू पाई एल डिवाइड बाई जी। तो आप क्या कहेंगे कि अर्थ पे, कि मून पे सेम पेंडुलम का, सेम दोलक का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, रूट सिक्स ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार का सवाल भी आपको आ सकता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आप इस फंडे को समझिए इस बात को कि एक पेंडुलम है और उसका जो टाइम पीरियड है वो है टी ई, उसका टाइम पीरियड है। उस पेंडुलम को मैं ले जाता हूँ मून पे और उसकी जो लेंथ है वो मैं कर देता हूँ तिगनी कर देता हूँ मैं, या फिर मैं इसकी लेंथ सिक्स टाइम कर देता हूँ उस पेंडुलम की। आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि मून पे टाइम पीरियड क्या होगा और टी ई के रेस्पेक्ट में। तो इसको आप यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसको आपको वेरीफाई कर दूंगा। तो ये मैंने आपको सिंपल सी एक्सरसाइज दी है कि एक पेंडुलम है उसको आप मून पे ले गए हैं और लेंथ जो पेंडुलम की अब सिक्स कर दी गई है, छः गुनी कर दी गई है, और आपको बताना है कि अब मून में उसका टाइम पीरियड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ टी ई। पढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर, और ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, वह ताप, वह टेम्परेचर जिस पर केल्विन ताप, केल्विन टेम्परेचर की वैल्यू एंड सेल्सियस टेम्परेचर का वैल्यू उससे दुगना हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से समझने से पहले मैं आपको बेसिक इसके कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तो देखिए, टेम्परेचर को व्यक्त करने की जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है वो होती है, एक होती है केल्विन, एक होती है सेल्सियस और एक होती है फ़ारेनहाइट होती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप ये जानिए कि जो टेम्परेचर की अगर पूछा जाता है ऐसा ही यूनिट क्या है, तो आपका उत्तर होगा केल्विन। तो अगर चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको तो ऑप्शन आपका होगा केल्विन, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। पहली बात तो आपने ये समझनी है। दूसरी बात ये समझिए इनकी वैल्यू क्या क्या है। तो के सी से कैसे रिलेटेड है और सी एफ से कैसे रिलेटेड है वो जानते हैं। तो देखिए, के जो है वो है सी प्लस आपका 273.15 होता है, 0.15 होता है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो 0.15 को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है। तो के इज इक्वल टू सी प्लस 273.15 होता है, ठीक है। और F और C से कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको बताता हूँ। F इज इक्वल टू आपका 9/5 C और इसको मैं लिख सकता हूँ 1.8 C प्लस आपका 32। तो ये भी आपने समझना है और ये भी आपने समझना है, बस यही दो इक्वेशन आपको समझनी है। आप कोई भी इसमें रिलेशन आप निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम में भूल गए तो क्या होगा, उसको याद करने का कोई तरीका बताइए, कॉन्सेप्ट बताइए। तो आइए मैं उसको कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। आप इस बात को ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए, मैं बात करता हूँ अगर सेल्सियस की, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आप देखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस में मैं बात कर रहा हूँ, सेल्सियस बैठा है आपका यहाँ पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस जब आपका सी जीरो होगा तो आपका केल्विन कितना होगा दोस्तों, 273.15 होगा। कितना होगा केल्विन, 273.15 होगा। और जब 0 डिग्री सेल्सियस होगी तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, इसको आप 0 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 32। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट होगा आपका 32, ठीक है। तो इस मैप को आप देखिए, इस ग्राफ को देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 यहाँ पर है, उसके बाद F आता है, उसके बाद K आता है, ठीक है। तो आपने ये समझा कि K ज़्यादा है C से, तो आप ऐसी गलती मत कीजिए कि K इज इक्वल टू C प्लस 273.15 है। आप ये गलत लिखा है कि C इज इक्वल टू K प्लस 273.15 नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो केल्विन होगा वो 273.15 प्लस पर होगा, यहाँ पर होगा ना कि माइनस पर। तो ये गलती आप नहीं कीजिए। पहली बात तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। तो K इज इक्वल टू C प्लस 273.15 होगा। K बड़ी यूनिट है सेल्सियस से, ऐसे भी इसको आप याद कर सकते हैं। दूसरी बात, ये बच्चों को जो गलती होती है वो इस फॉर्मूले में होती है। बच्चे अधिकतर लिख के आते हैं कि F इज इक्वल टू 5/9 C प्लस 32, यस ये होगा, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। इस कन्फ्यूजन को भी मैं हटा देता हूँ। देखो, आपका जो टेम्परेचर, जैसे आपको बुखार हो जाता है तो बोला जाता है आपको टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो वो 100 डिग्री क्या होता है, वो होता है 100 डिग्री आपको
फ़ारेनहाइट होता है, और वही अराउंड सेल्सियस में बात की जाती है तो 37 या 38 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे मैं आप बोलूँ आपका शहर दिल्ली शहर है, तो दिल्ली शहर का आज का तापमान क्या है, तो आप बोलेंगे 27 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, ना कि 27 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाता है, जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर के आसपास ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है क्या 37 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, और नॉर्मल उसी टेम्परेचर को मैं फ़ारेनहाइट में बोलता हूँ तो वो होता है 98.4, यानी कि फ़ारेनहाइट बड़ी है सेल्सियस से। ये आप अपने डेली यूज से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो F इज इक्वल टू 9/F(5C+32) और K इज इक्वल टू C+273.15। अब मैं आपको इस सवाल को सॉल्व कर देता हूँ और दो तीन सवाल आपको एक्सरसाइज में दे देता हूँ, जिससे आप करके आप जो है कॉन्फिडेंस इसमें आप हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमको ये दे रखा है कि वह तापमान जिस पर केल्विन का तापमान का मान सेल्सियस के तापमान का मान का दुगना है, मतलब कि हमको दे रखा है के की वैल्यू है 2C है, ट्वाइस ऑफ सेल्सियस है। और के क्या है दोस्तों, पहली इक्वेशन से आपका क्या आया दोस्तों, C+273.15 आया, तो उससे क्या निकल के आया, सी आपका आ गया 273.15, जो कि आपका विकल्प है इसमें, ऑप्शन है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया। आइए मैं अब आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। आपको ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि ऐसा कौन सा तापमान जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम होंगे। बताइए ऐसा कौन सा तापमान, सेकंड होमवर्क ये है, फ़ारेनहाइट और केल्विन जो है वो आपस में सेम होंगे। तीसरी अब मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा तापमान बताइए कि जब फ़ारेनहाइट जो है 3 टाइम्स होगा आपके सेल्सियस से। तो इन तीनों सवालों को आप कर जाइए। और चौथा मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये बताइए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में क्या लिखेंगे चौथा, और पांचवा मैं आपको दे रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में क्या लिखेंगे ये बताइए, और छठा आप ये बताइए कि आपको मैं दे रहा हूँ, ये देता हूँ कि ये बताइए कि 100 फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में क्या लिखेंगे। तो ये आप 6 क्वेश्चन कर जाइए उस फॉर्मूलों को यूज़ करके, आपके ये वाले कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे हो जाएंगे। आइए अब मैं इसके साथ में आपको दो तीन कॉन्सेप्ट और बता दूं जो कि आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। एक होता है दोस्तों एब्सोल्यूट जीरो, आपने सुना होगा, और एक होता है आपका क्या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू पूछी जाती है या फिर एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू पूछी जाती है। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो वो होता है जिसके आगे टेम्परेचर और ठंडा नहीं हो सकता, और उसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, उसकी वैल्यू है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो के इज इक्वल टू आपका होता है क्या C+273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसा तापमान जिसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है ये, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ तब जब के इज इक्वल टू आपका आएगा 0, इसमें यूनिट होती है एब्सोल्यूट जीरो को मैंने बता दिया, जब जो कैल्विन जब 0 है उसको याद कर लीजिए, और तब सेल्सियस कितना हो जाएगा -273.15 हो जाएगा। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो वो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, तो आपने क्या याद करना है उसमें, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना है आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको केल्विन में मुझको रिप्रेजेंट करना है तो केल्विन में क्या हो जाएगा, ये 0.01 को मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 273.16 केल्विन होगा। ठीक है, 273.16 या फिर 0.01 डिग्री सेल्सियस आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। ट्रिपल पॉइंट है 0.01 डिग्री सेल्सियस और एब्सोल्यूट जीरो है आपका 0 केल्विन। 0 केल्विन आप याद रख लीजिए, 0 केल्विन आप याद रख लीजिए, और ये है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें मैंने आपके काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए एक कॉन्सेप्ट से लेके कि भाई ये सेल्सियस होता है, ये केल्विन होता है, ये फ़ारेनहाइट होता है। याद करने का इसका तरीका ये है, केल्विन SI यूनिट है,
अगर आपको कोई भी रिलेशन पूछा जाता है कि भाई फ़ारेनहाइट, जैसे मैंने आपको एक 6 क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप कर लीजिए, तो आपको ये आपस में रिलेशन निकालना भी आसान हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एब्सोल्यूट जीरो एक पॉइंट बताया, एक ट्रिपल पॉइंट बताया। एब्सोल्यूट जीरो वो पॉइंट होता है जिसमें आपका जो केल्विन होता है वो जीरो पे होता है और उसके नीचे टेम्परेचर उससे ठंडी चीज़ हो नहीं सकती, दैट इज़ -273.15 डिग्री सेल्सियस के नीचे। तो एक तो ये पॉइंट बताया, दूसरा होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, डिफाइन किया है दोस्तों जब टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ 273.15 प्लस 0.01 यानी कि 273.16 केल्विन। तो दोस्तों ये मेरा पार्ट वन में मैंने आपको फिजिक्स का बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से कॉन्सेप्ट्स से आपको पढ़ना है। ये 5 सवाल मैंने आपको पार्ट वन में कराए हैं। बाकी का जो पार्ट है, जो टॉप 11 मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, वो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जिन्होंने कोर्स को रजिस्टर किया है। और बाकी के जो वीडियो लेक्चर्स हैं टॉपिक्स के, तो उसके जो पार्ट वन है वो तो फ्री है ही, तो वो आप उसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितना वो हेल्पफुल है। और अगर आपको लगता है और आप को ये जानते हैं कि भाई एग्ज़ाम में आप इससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो इस पूरे फिजिक्स का जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ले रहे हैं कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट्स और एग्ज़ाम में आई प्रॉब्लम, अगर आप इनको करते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और फिजिक्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्निकल सेक्शन का, जिसमें से आपके 30 में से 22 या फिर 16 या फिर 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो इस होमवर्क को आप जरूर कर लीजिए और फिजिक्स को कॉन्सेप्ट से आप पढ़िए, आप जो है अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए।